अरे अपना अधिकार हम लड़के लेंगे, अरे सही किसानों को फसल क्षति का मुआवजा देना होगा। अरे पिछली बार अंतर किया, चाव रखा, तब जाकर के नीतीश कुमार ने एक रिव्यू कमेटी गठित की। तीन बार अंतर किया, चाव रखा, तब जाकर के नीतीश कुमार तीसरा महीना हो रहा है, लेकिन चंद लोगों को कहीं 40%, कहीं 50%, और कहीं कहीं तो बिल्कुल नहीं लोगों को पैसा भेजा है। कुछ वार्ड ऐसा है, कुछ पंचायत ऐसा है, जिस पंचायत में एक भी आदमी के खाता में अभी तक पैसा नहीं गया। ये सरकार का आलम है, ये सुशासन का आलम है, और उस पर भी जिनके खाता में पैसा गया भी है उसपे रोक लगा दिया गया, उसको लॉक कर दिया गया है। गरीब को उस 6,000 के चक्कर में अपना भी पैसा कुछ खाता में था, वो भी नहीं निकल पा रहा है। क्या समस्या, क्या समस्या? बिहार में बाढ़ है और सुखाड़ है, और गायघाट में भी बाढ़ और सुखाड़ दोनों है। गायघाट एक हिस्सा में बाढ़ है तो दूसरा हिस्सा सुखाड़ है। गायघाट का बाढ़ वाला हिस्सा तो बाढ़ प्रभावित घोषित हुआ, लेकिन सुखाड़ वाला जो हिस्सा है उसमें मात्र एक पंचायत लक्ष्मण नगर पंचायत को सुखाड़ ग्रस्त घोषित किया है आज के अखबार में। और पूरा दरभंगा मुजफ्फरपुर में ये सरकार कैसी है जरा सोचिए, पूरा दरभंगा मुजफ्फरपुर में मात्र 2 पंचायत को, एक पंचायत मुजफ्फरपुर में और एक पंचायत दरभंगा में सुखाड़ घोषित हुआ है। इससे बड़ा तमाशा क्या होगा? इस तमाशा के खिलाफ लड़ाई है, जनता को वोट लेकर के जो जनता के साथ गद्दारी है, धोखाधड़ी है, जनता के आंदोलन के साथ जो विश्वासघात है, इस विश्वासघात के खिलाफ ये जन आंदोलन है, और ये जन आंदोलन रुकने वाला नहीं है, बढ़ने वाला है। दोस्तों, अगले बंगला के रूप में सारी मांग के खिलाफ आज गायघाट प्रखंड कार्यालय पर धरना की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष जी, और केंद्रीय कमेटी भाकपा माले से आई मीना तिवारी जी, और गायघाट प्रखंड के बागमती बांध के खिलाफ संघर्ष करने वाले किसान मजदूर छात्र नौजवान दोस्तों, आज हम लोग जो यहाँ धरना पर बैठे हैं, इससे पहले भी 2011 में बागमती बांध के अवैज्ञानिक तरीके से बनाए जाने के खिलाफ गायघाट, कटरा, औराई, सीतामढ़ी, दरभंगा तमाम जगहों पर इस बांध के खिलाफ छात्र नौजवान किसान महिला साथियों ने खड़ा हुए, वो लड़ाई अगर लड़ा गया था तो उसमें सबसे ज्यादा भूमिका यहाँ के महिलाओं का था, और तमाम के तमाम महिलाएं यहाँ से जिस सरकार के गलत नीति के खिलाफ वैज्ञानिक तरीके से बांध निर्माण किए जाने के खिलाफ यहाँ के जो महिलाएं लाठी लेकर के खड़ी हुई, तब नीतीश कुमार को समझ में आया कि नहीं, हमको इस पर यह पुनर्विचार करना चाहिए। और नीतीश कुमार जी ने आनंद फानंद में एक रिव्यू कमेटी बनाने का काम किया। उस रिव्यू कमेटी में कई हमारे जाने वाले साथी, 4 लोगों को बनाया गया, 5 लोग सरकारी स्तर जो जिले में आप लोगों को स्पष्ट कहा
वो पैसे के बल पर ये जो सरकार है ठेकेदार है बड़े बड़े माफिया है सरकार के जो लोग है उस पैसे के बल पर चाहेंगे आपके आंदोलन को तोड़ना आपके आंदोलन को कुचलना। लेकिन आपका चट्टानी एकता जो पहले हम 2011 से आज तक देखते आए हैं जो चट्टानी एकता है और जो नेतृत्व है वो बहुत संघर्षशील नेतृत्व है। इस नेतृत्व पर हमको भरोसा करके आगे बढ़ना हो। इसी के साथ हम अपना वाद को समाप्त करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। पानी के बगैर तो पड़ने वाला है। दूसरे तरफ ये मतलब अभी देखिए नदी में कितना पानी है वो पहले भी तो बाढ़ आती थी ना ये कम है जब बाढ़ आ जाएगी। लागू हुए नहीं देंगे जब तक हमारा रिव्यू कमेंट नहीं होता। या मंच पर मंचासीन बहुत सारे बच्चा है हम भी सुनने के लिए ही आया तो आप लोगों से हम अनुरोध करते कि हम यही अपना पानी को विराम देते हैं। एक बार मेरे साथ नारा लगाइए इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। बागमती परियोजना बंद करो बंद करो चलाना है क्योंकि ये लड़ाई यहाँ रुकने वाली नहीं है। यदि मेरे ये रोकेंगे तो फिर आपके नाम पर जो चलेगा अभी ये 950 करोड़ से जो गठबंधन को ऊंचा कर रहे हैं उसके कारण फिर और कई तरह की समस्याएं पैदा होने वाली है क्योंकि रेल का लाइन जो ऊंचा करना पड़ेगा सड़क ऊंचा करना पड़ेगा तो इस सब में जो ठेकेदारों की आमदनी है वो होगी तो ठेकेदारों का राज चलाना है कि किसानों का राज चलाना है ये तय करना आपको है। इसके लिए आपको अपनी जगह मजबूती से बने रहना है। जितेंद्र जी का हाथ मजबूत करना है और साथ बचाओ। अभी गए हैं लोग सीओ साहब से मिलने ज्ञापन देकर लौट रहे हैं तो हमको माइक मांगकर गए हैं तो हम आपको कुछ और बात बताते हैं जो चल रहा है इस देश में। अब कभी देखिए कि हम आजादी के समय बिहार देश को चीनी खिलाता था 24-25 चीनी मिल था यहाँ गन्ना होता था गन्ना में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती ये बाढ़ का पानी गन्ना को सींच देता था और हम गन्ना को 3 साल तक टांगते रहते थे और यहाँ का चीनी मिल चलाते थे। लेकिन आजादी के बाद हमारी जो सतह विकास नीति जो विकास औद्योगिक विकास नीति ऐसी बनी कि ये सब गन्ना का चीनी का मिल महाराष्ट्र वाले ले गए शरद पवार ले गए शरद पवार की राजनीति करने वाले लोग ले गए वो ले गए और ऐसे इलाके में ले गए मराठवाड़ा वगैरह के इलाके में जहाँ पानी नहीं था वहाँ उन्होंने हाइब्रिड गन्ने की खेती की और वहाँ एक पूरा शुगर मिल का लॉबी खड़ा कर दिया और वो शुगर मिल की लॉबी भारत की राजनीति में दखल देने लगा। लेकिन इस प्रकृति ने उसको सिखाया इसी 50 वर्ष की अवधि में वहाँ का पानी जमीन के नीचे का पानी खत्म हो गया। वहाँ नीचे से जमीन निकाल कर गन्ना पटाते थे आज वहाँ से पानी वहाँ जो है तो मराठवाड़ा और दूसरी जगह जलगांव वगैरह वगैरह में पानी जो है तो टैंकर से आता है और वो दिया जाता है तो और वहाँ खेती गर्म हो गई। तो इस तरह हम यहाँ का जहाँ जो चीज उपलब्ध है जो चीज मिल रहा है उसको विकसित करने की जगह दूसरे जगह चीजों को विकसित कर रहे हैं। ये विकास की जो राजनीति है इसको समझना होगा इसको तोड़ना होगा क्योंकि इसमें कुछ लोगों का फायदा है आपका फायदा नहीं है। तो हम विचार करें या बात को समाप्त तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे। हम लोग फिर बैठेंगे और इसको इस साल आंदोलन को बढ़ाना है तो क्या कहते हैं ऊपर से सीतामढ़ी से लेकर खगड़िया तक इस आंदोलन को बढ़ाना है और हम लोग यात्रा भी करेंगे और लगन भी करेंगे सम्मेलन करेंगे और बाध्य करेंगे नीतीश कुमार को कि वो रिव्यू कमेटी फिर से बहाल करें।
और तब तक जो है तो बागमती क्षेत्र में कोई विकास का काम उधर निर्देश हो जाते बांध बनाने का शौक कोई काम न करे। इन्हीं सबसे में धन्यवाद क्रिय करने का उसको अधिकार संपन्न करने का बांध के उन्नतीकरण पर रोक लगाने का बांध से जो विस्थापित परिवार है उनको मुआवजा देने का ये जो हमारे मांग वो मुख्यमंत्री से है बीडीओ साहब के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री को यह स्मारक पत्र हम लोग भेज रहे हैं। दूसरा जो हम लोग का मांग था यहाँ के लोगों को जो बाढ़ राहत की राशि अभी बहुत लोगों को नहीं गया है वो राशि बर्बाद हुआ है वो राशि एक मिनट जो रिलीफ जिन लोगों के खातों में भी नहीं गया है उनके खातों में भी हम रिलीफ जाए जिनके नाम में या आधार नंबर में या बैंक अकाउंट में कोई गड़बड़ी था उसको सुधार के जमा कर दिया गया और उनका भी पैसा भी हम भेजा जाए इनका एक इस पर एक बात हुआ है। उसके बाद जिन गरीबों के खाता पर प्रतिबंध लगा दिया गया है होल्ड कर दिया गया है जिसमें गांव में जाता है लोड कर दिया गया है उस पर भी बात हुआ है। जिला अधिकारी को बोले हैं कि हम लिख करके क्योंकि ये पटना से होल्ड किया गया है तो इसलिए वहां लिख करके भेजेंगे और इसके साथ साथ बाढ़ प्रभावित जो पूरा क्षेत्र है वो और सुखाड़ वाला सभी किसानों को फसल क्षति का मुआवजा मिले ये बात डीएम साहब के बीडीओ साहब कि हमसे पूछा नहीं गया है ऊपर से ही ऊपर रिपोर्ट बनाकर के एक पंचायत को घोषित किया गया है हमसे मांगेगा तो हम तिरहुत पंचायत को हम सूखाग्रस्त व्यक्ति जो है घोषित करके भेजेंगे। तो ये जो मांग था इस मांग पर बात हुई है हम लोगों ने अपना स्मारक पत्र भेज दिया है एक स्मारक पत्र कलेक्टर के नाम से और एक मुख्यमंत्री के नाम से हम लोग भेजे हैं। तो ये बात है और मैं अब इसको समापन करने के लिए हमारा गार्जियन प्रेम सागर जी हम लोगों के बीच में है मंत्री जी हम लोग के बीच में है जो जमालपुर प्रदेश पंचायत के मुखिया भी हैं हम समझते हैं इसका समापन वो करो। बच्चा चोरी किसी का होगा तो थाना में दर्ज करेगा कि नहीं करवाएगा पूरा बिहार के थाना में कहीं भी एक भी जगह बच्चा चोरी का केस नहीं हुआ है कि मेरा बच्चा चोरी हो गया। ये व्हाट्सएप मोबाइल के व्हाट्सएप पर गलत बना करके पूरा वायरल किया जा रहा है प्रचारित किया जा रहा है बच्चा विक्टिम चोर गिरोह के बारे में और हम लोग बच्चा चोर समझ करके दंगल को मिटाई कर दे रहे हैं भीख मांगने वाले को मार रहे हैं चोर चोर उनको कंधे के आधार पर पकड़ ले रहे हैं सरकारी कर्मचारी जा रहे हैं उसको पकड़ ले रहे हैं और बिना समझे उसको मार भी करते हैं तो गरीब को गरीब मार रहा है और मार के जब मर जा रहा है तो बाद में पुलिस जाती है और पूरा गाँव के लोगों का मुकदमा हो जाता है। तो इसलिए बच्चा चोर के अफवाह में नहीं पड़ना है किसी गरीब को किसी भिखमंगा को किसी गुंडा को किसी गौर कुटुंब को कभी पिटाई नहीं हो इसके लिए सतर्क की जरूरत है और समापन भाषण करेंगे मंत्री जी।